नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं स्विफ्ट डिजायर वर्सेस मारुति सुजुकी बलिनो। दोस्तों, भारतीय बाजार में स्विफ्ट डिजायर तो वैसे एक सेडान गाड़ी है और जो बलिनो है एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है, लेकिन दोनों की कीमत की बात करें तो लगभग सेम आती है। अक्सर बाजार में कंफ्यूज लोग हो जाते हैं जाते समय कि कौन सी गाड़ी रहेगी उनके लिए सही। आज की वीडियो में जानेंगे बलिनो या स्विफ्ट डिजायर कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले प्राइसिंग एंड मॉडल्स के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो स्विफ्ट डिज़ायर है इसकी कीमत शुरू होती है 5,79,000 पैसे और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 8,80,000 रुपये तक। यह गाड़ी पेट्रोल में 7 मॉडल्स में आती है। वहीं बात करें मारुति सुजुकी बलिनो की तो इसकी कीमत शुरू होती है 5,70,000 पैसे और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 9,03,000 रुपये तक। यह गाड़ी पेट्रोल में 9 मॉडल्स के बीच में आती है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इन दो वेरियंट के बीच कंपेयर करेंगे, जहां पर हमने पहली गाड़ी का नाम लिया ZXi स्विफ्ट डिज़ायर की जिसकी कीमत है 7,48,000 रुपये और दूसरी गाड़ी है मारुति सुजुकी बलिनो की अल्फा मॉडल जिसकी कीमत है 7,71,000 रुपये। तो बलिनो का अल्फा मॉडल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जानेंगे इस वीडियो में कौन सी गाड़ी आपके लिए होगी सही। तो सबसे पहले डायमेंशंस और डिज़ाइन की बात करें तो डायमेंशन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो सो देखने में लगता है कि बलिनो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा बलिनो और स्विफ्ट डिज़ायर का लेंथ दोनों का एक जैसा है। 10 mm ज़्यादा चौड़ा है बलिनो एज कम्पेयर टू स्विफ्ट डिज़ायर और 5 mm का ज़्यादा आपको हाइट देखने को मिलता है स्विफ्ट डिज़ायर में एज कम्पेयर टू बलिनो। बूट स्पेस की बात करें तो बलिनो में आपको 339 लीटर का बूट स्पेस और आपको स्विफ्ट डिज़ायर में 378 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि बलिनो से थोड़ा सा बड़ा है। तो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में मुझे पर्सनली स्विफ्ट डिज़ायर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंजन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर स्विफ्ट डिज़ायर में आपको 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि जनरेट करता है 88.50 bhp का पावर विद अ टॉर्क ऑफ 113 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब यहाँ पर बात करें बलिनो में आपको देखने को मिलता है 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन, पर ये जनरेट करता है 81.80 bhp का पावर विद अ टॉर्क ऑफ 113 न्यूटन मीटर टॉर्क। यह दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर बात कर रहे हैं कौन सा इंजन ज़्यादा पावरफुल है तो यह स्विफ्ट डिज़ायर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें 7 bhp का ज़्यादा पावर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू बलिनो। अब बात करें कंफर्ट एंड फीचर्स की तो किसमें ज़्यादा दी गई है। अब दोनों ही गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग, एसी हीटर, पावर विंडो, फ्रंट एंड रियर दोनों में दिया गया है, लेकिन आपको पावर बूट स्विफ्ट डिज़ायर में देखने को मिलता है, लेकिन बलिनो को इस मॉडल में नहीं दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही गाड़ी में दिया गया है। रियर एसी वेंट आपको स्विफ्ट डिज़ायर में देखने को मिल जाता है, लेकिन यह चीज़ बलिनो में नहीं दिया गया है। हालांकि इसकी मैं बताता हूँ ये काम क्या करता है। ये पीछे की तरफ एक एसी वेंट होता है जो कि पीछे वाले पैसेंजर्स को भी ज़्यादा अच्छा एयर देता है, लेकिन बलिनो में ये नहीं दिया गया है, डिज़ायर में दिया गया है कम कीमत होने के बावजूद। कप होल्डर आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाता है स्विफ्ट डिज़ायर में, लेकिन बलिनो में नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट में दोनों में कप होल्डर देखने को मिलेगा। पार्किंग सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वॉइस कंट्रोल दोनों ही गाड़ी में दिया गया है। अब दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर कुछ फीचर्स की तो आपको टेलीगेट आज़ार यहाँ पर डिज़ायर में देखने को मिलता है, लेकिन बलिनो में नहीं दिया गया है। बाकी जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं एसी हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, सब कुछ इसमें दिया गया है। व्हील साइज की बात करें तो R15 व्हील आपको सब डिज़ायर में और R16 व्हील आपको यहाँ पर बलिनो में देखने को मिल जाता है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आप दोनों का डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। किसका डैशबोर्ड पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन दोनों में देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। 4-4 स्पीकर दोनों में दिए गए हैं। सेफ्टी की तरफ आगे बढ़ें तो आपको सेफ्टी के मामले में सबसे पहले मैं आपको वो फीचर बताऊंगा जो कि दोनों में सेम दिए गए हैं। उनका नाम कुछ इस प्रकार से ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, 2 एयरबैग्स, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम्स, 2 अजावा वार्निंग, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एडिटिव डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। अब दोस्तों कुछ मैं आपको ऐसे फीचर बताता हूँ जो कि आपको स्विफ्ट डिज़ायर में देखने को मिलते हैं, लेकिन बलिनो में नहीं दिए गए हैं। उनका नाम कुछ इस प्रकार से है, ब्रेक असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड अलर्ट, ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि स्विफ्ट डिज़ायर में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा फीचर जो कि आपको बलिनो में सेफ्टी के मामले में अच्छा देखने को मिलता है वो इसका रियर कैमरा। जी हाँ दोस्तों, रियर पार्किंग कैमरा आपको बलिनो के इस मॉडल में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिज़ायर में नहीं दिया गया है। वहीं बात करें ऑन रोड प्राइसिंग की तरफ, मतलब कि सब कुछ जान लिया तो ऑन रोड प्राइसिंग भी बता देते हैं आपको लास्ट में। तो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा 8,46,000 प्राइसिंग है स्विफ्ट डिज़ायर की और 8,73,000 प्राइसिंग है बलिनो की। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज बात करें
तो यह स्विफ्ट डिज़ायर मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। ओवरऑल इंजन पावर की बात करें तो स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू बलिनो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक कॉम्पैक्ट साइज हैचबैक गाड़ी, जैसे कि आप अगर घर में कम जगह है तो जिसे आप रख पाएँ, तो वो है बलिनो। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है कि दोनों का लेंथ भैया सेम है, तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी ले लो, जगह तो आपकी उतनी ले लेगी। तो मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, तो मुझे पर्सनल ओपिनियन में अपना बता रहा हूँ, मुझे स्विफ्ट डिज़ायर ज़्यादा पसंद आती है। वैसे डिज़ाइन लुक्स तो भाई हर किसी का अलग अलग मैटर होता है, लेकिन अगर फीचर वाइज बात कर रहे हैं तो आपको फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्विफ्ट की डिज़ायर में। अब जैसे कि रिजर एसी वेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है लंबी गाड़ियों में, और ये एक पावरफुल इंजन, और कुछ आपको ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं स्विफ्ट डिज़ायर में जो कि बलिनो में नहीं दिए गए हैं। दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वैसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर। और अगर आपको दोनों में से कोई एक गाड़ी लेना पड़े तो कौन सा लेंगे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।